यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार में हम देख सकते हैं प्रभु कितने अनुकंपा से भर जाते हैं। प्रभु को ज्ञात होता है जो लोग उनको सुनने आए थे वे अभी भूखे प्यासे हैं, दिन ढल चुका था और शिष्य लोग भी मनुष्य के रूप में सोचते हैं और प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु ये निर्जन स्थान है, प्रभु यहां कुछ भी नहीं मिलता है, प्रभु उनके घर उन्हें अपने अपने घर भेजिएगा। प्रभु क्या कहते हैं? तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। किस प्रकार का खाना आज हम लोगों को दे सकते हैं प्रिय भाई तथा बहनों? शारीरिक भोजन के लोग आज ज्यादा नहीं तरसते हैं, लोग मानसिक आध्यात्मिक तसल्ली के लिए, भोजन के लिए तरसते हैं। किस प्रकार का ये तृप्त हम कर सकते हैं? उनका भूख, उनकी प्यास। हर बार जैसे मैं कहता हूं, समय लोगों को देना, लोगों के साथ बैठना, लोगों को सुनना, उनका दर्द को समझना, महसूस करना। प्रिय भाई तथा बहनों, यह है लोगों को जो हमारे पास है बांटना। निर्जन प्रदेश यानी शायद प्रिय भाई तथा बहनों जगह या स्थान नहीं है, यानी अकेलापन महसूस करना। आसपास बहुत लोग हैं मेरे, लेकिन मैं अंदरूनी अकेलापन महसूस करता हूं। मेरे लिए कोई नहीं। जब मैं बैठता हूं सोचता हूं मेरा जीवन क्या है, मेरे आसपास इतने लोग हैं तब भी मैं अकेलापन महसूस करता हूं। यानी मेरा जो प्रभु से मुझे जुड़ना है मैं दूर हूं, रिश्ता में दरार आ गए हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, हम उनसे मिलें, हम उनकी मदद करें, क्योंकि हम प्रभु के शिष्य हैं। हम जाके नहीं कह सकते, प्रभु देखिएगा उस परिवार में शांति नहीं है। प्रभु कहेंगे आपसे, जाओ उनसे बात करो, उनको समझो, जो आपसे हो सकता है उन्हें कर दो। यह है प्रिय बाधित बहनों, एक संवेदनशील मनुष्य का रूप है, क्योंकि प्रभु प्रेम है। संत योहन आज का पहले पाठ में कहते हैं प्रभु प्रेम है और वो ईश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। और आज का पहले पाठ में शुरुआत संत योहन ऐसे करते हैं, प्रिय भाइयों हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम सब जानते हैं और दुनिया के लोग भी जानते हैं, ईसाई भाई बहन प्रेम के लिए जाने जाते हैं, ईश्वरीय प्रेम के लिए जाने जाते हैं। आज हमें पूछना है कि ईश्वर का प्रेम मुझ में है, किस प्रकार का प्रेम मैं दूसरों को बांटता हूं। लोग जब मेरे पास आते हैं, जरूरतमंद शायद आते हैं जिनके घर में तनाव है, परेशानियां हैं, परिवार टूटा है, जो प्यार को खोजते हैं, मन में तसल्ली नहीं है। प्रिय भाई तथा बहनों, क्या वहां पे हम प्रभु का शिष्य बनकर, उनका अग्रदूत बनकर जा सकते हैं? यही आज प्रश्न आज अपने आप को पूछ कर देखिएगा। यदि आपका परिवार में तनाव है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, आप किसके पास जाते हैं? क्या आपको वहां तसल्ली मिलती है? प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करिएगा, ईश्वर के पास हम तभी जा सकते हैं जब हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर वो प्रभु को मिलने की आस है। नहीं तो जाते तो जरूर है, सुनते तो जरूर है,
लेकिन अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर आस नहीं है, आस्था नहीं है, धार्मिक मनोभाव नहीं है। इसी के लिए आज कृपा मांगे कि प्रभु हम सबों को ईश्वरी आस्था से भर दे।